हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ रूपाली राउत ब्लॉग को आपन को स्वागत। चलंतु आरंभ करिबा आज ब्लॉग आओ। आज सकाळ सकाळ बहुत आसीगलानी खरा आसीगलानी आओ हमर नाइट खेला जी सकाळ उठिलु सोइके आओ भाबिली कौन टिके सकाळ सकाळ नाश्ता करबी जानि पड़ने आखिर पड़ी गला सूजी सूजी सूजीर टिके उपमा करिया को उपमा खाया को इच्छा होगा आउ रूपा को कहल उपमा टे करिया को रूपा तो सकाल सकाल ठाकुर पूजा से व्यस्त अच्छा आउ मु भावुची उपमाटा मु निजे हाथ में तैयारी करी आउ खाइबी आउ मते बहुत बढ़िया लगे उपमा। चलंतु आम उपमा स्टार्ट करिबा आज चलंतु छोट आलुटे नहीं जा आलु छिलकाटा काढ़ी देची आउर काटबी छोट छोट कर आलु मुलरेडी आलु देखु छोट छोट काटी आलु काटी तापर आंका काटबी लंका भी अलरेडी काटी आपर आरंभ करी उपमा गैस लगे गैस ऑलरेडी मु लगे सारा एबे मु उपमा तैयारी करी मु कड़ाई रे किछ तेल ले जाइछि आ तेल ऑलरेडी गरम हो गलानी किछ जीरा ले जिवा किछ मु जीरा ले जाइछि जीरा फुटिले मु काटि के रखि थवा नंका के पकेबी जीरा ऑलरेडी फुटिलानी लंका दे दबा लंका के जीरा फ्राई कर दबा ऑलरेडी मु आकु टिके भाजी दे फर्स्ट लंका ऑलरेडी भाजी हो गलानी मु काटि के रखिली जो आलू ताकु भी दे दबा ताकि देदेवी हलदी गुंड टे पकईद हलदी पक पा जोगाड़ आलुटा सीझाप लुण भी पकईदी कि समय आलु सीझाप छाड़ देवी आलु सीझाप कि समय छाड़ी अलरेडी मोर आलु सीझीगला मुझे सुजी पकेबी सुजी पक सारापर उपमा रेडीज बहुत कम माने बहुत कम उपमा कर सारि खाई पैसा बाहर थी गोटे गैस सिलिंडर आई बर्तमान पर गैस सिलिंडर भी आनली देख सिल अच्छी पूरा सिलिंडर आनली धोक रखी आमर दीटा सिलिंडर गोटे सिलिंडर आडभांस भरिक रखा पड़े इंडियन रही ये गोटे सिलिंडर थुआ सांगे सांगे भरा हो पैसा सागे सागे भरिक आणली आपा ये गोटे आ गए सिलिंडर रोसे करूँगा कम से कम आम दुईमास से आउ गए भरिक आणली तीस तीस सात मुझे करी कौन लगे थी कहीं मुझे लगे दिए आखि दिए तेरे पुणी केस जना पड़ो ना पुणी भरिया असुविधा तीस सात रु आसी एक दस हो गला दुईमास मुझे से आउ गोटे आडभांस भरिकी आण की रखीदेली गैस सिलिंडर आउ कि टेनसन ना दुटा सिलिंडर हो गला आमर पुणी आपर सिलिंडर रखी सिलिंडर रखी आनी सारापर मुझे गोटे पैडटे आणिक आईली मार्केट रू जाए सांगे सांगे पैड आणिक आसली आउ पैड पा पी हाब गरम जोर हो पेट गरम हो गए गोटे पैड आणिक आसली आउ एपटे रूपा आमर रोसे करूँ
ଭାତ ଲେଟ୍ ସାରିଲେ ଡାଲି ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ଭଜା ଭଜି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଜା ପାଇଁ ସବୁ କାଟିକି ସେଇଠି ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରି ବିନ୍ସ ସବୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କଲେଣି। ଭଜା ହେବ, ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲି ବସିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଟିକେ କୁଲର୍ରେ ବସିଯିବି, ଭାରି ଜୋର ଗରମ ଲାଗେ ନା, କାହିଁକିନା ସିଲିଣ୍ଡର ଏକୁଟିଆ ଭରି ସାଇକେଲରେ ଭରି ଭରି ଆଣି ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଏକୁଟିଆ, ମାନେ ଆମ ଦୁଇମହଲା ଉପରେ ରୁମ୍ ଏକୁଟିଆ ଉଠେଇକି ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ। ତ 30 ଲିଟର ହେଲାଣି ଗ୍ୟାସ ପୁରା ଏଇଟା ଟାଙ୍କି ଆଉ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ କୁଲର୍ ପାଖରେ ବସିଯିବି, ଆସୁଛି କୁଲର୍ ଚାଲୁ କରିଦେଇଛି, କୁଲର୍ ପାଖରେ ବସିଯିବା, ନହେଲେ ଦେହ ହାତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାର, ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ରୂପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ରୋଷେଇରେ। ଭଜା ରୂପାଙ୍କ ସହିତ ରୂପା ସବୁ କାଟିକୁଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭଜା ଭାଜିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଭଜା ବି ଓକେ ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଖାଇବା। ଖାଇଲା କାମ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଡାଲିଟା ଛୁଙ୍କ ମର ହେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରୂପା ସିଝେଇ ଖେଳ ସେମିତି ଥୋଇଛନ୍ତି, ଡାଲି ଯାଉଛି ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି। ହଁ ମାରିଦେବ ଛୁଙ୍କ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି। ସିଆଡ଼େ ଆସିଲେଣି ଏଇଠି।